अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मुंबई के स्पेशल वड़ा पाव, जो बच्चे बड़े जवान हर किसी को बहुत पसंद आते हैं। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले डेगची में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल डालकर गर्म होने के लिए रखी हूँ। उसमें डालूंगी मैं पाव चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच राई जीरा, अभी मैं डालूंगी कड़ी पत्ता, एक चम्मच पिसी हुई हरी मिर्ची, इसको मैंने मोटा मोटा पीसी हूँ, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के साथ में मैं डालूंगी एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन सब चीज़ को मैं अच्छे से भूनूंगी। मिर्ची और अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक के हमें भूनना है मसाले को। मसाला अच्छे से भून चुका है, अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। वड़े के लिए मैंने आधा किलो आलू ली हूँ, उसको उबाल कर मैंने छिलके निकाल के रख दी हूँ। उसको अभी मैं मैश करूंगी हाथों से। आलू मैश करके हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद के हिसाब से। अभी जो हमने मसाला बनाए थे वो मसाले को मैं आलू में डाल दूंगी और थोड़ी सी हरी धनिया डालूंगी। अब मसाले को मैं पूरे आलू में मिक्स कर लूंगी। देखिए मसाला अच्छे से आलू में पूरा मिक्स हो चुका है। आलू को अब हम हाथों से गोल करके शेप ले लेंगे। इसे हल्के हाथों से ऐसे दबाएंगे बस। अभी इसको मैं प्लेट में रख दूंगी। इसी तरह हमें सारे वड़े बनाना है। आलू को हमें गोल शेप देकर हो चुके हैं। अभी हम बैटर तैयार करेंगे। ये मैंने पाव किलो चने का आटा ली हूँ, इसमें मैं डालूंगी एक चुटकी खाने का सोडा, नमक स्वाद के हिसाब से। इसमें अभी मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है, क्योंकि हमें पतला बैटर नहीं चाहिए, गाढ़ा ही चाहिए। अभी इसमें और पानी लगेगा, मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। हमें ऐसे ही चाहिए, पतला नहीं चाहिए ज़्यादा, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए पहले से रख दी थी, तेल गर्म हो चुका है। अभी आलू को मैं आटे में डिप करूंगी और इसे तेल में डाल दूंगी। इसी तरह हम सारे वड़े तेल में डालेंगे। अब हम वड़े को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम वड़े को पलट लेंगे। वड़े को हमें एकदम ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ हमारा आटा पकना चाहिए, उतना ही हमें फ्राई करना है। देखिए वड़े दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इसको प्लेट में निकालूंगी।
माशाल्लाह हमारे वड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना वड़े कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।